हेलो सभी को, कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज जा रही हूँ एक इतनी गजब की जगह पे। सभी बड़ों को मेरी तरफ से हर हर महादेव, और सभी मेरे छोटों को मेरी तरफ से प्यार भरी हेलो। तो बाहर का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पूरा बर्फबारी हो रहा है यहाँ पे छांगचुंग में, और वीडियो को एंड तक देखना। मेरा पक्का ये वादा है कि आप लोगों को पूरा मजा आने वाला है। और इतनी गजब की जगह पे जा रहे हैं हम लोग तीनों मिलकर, मेरी बॉस, उनकी मदर है और मैं हूँ। और सच में मुझे भी नहीं पता था कि ये जगह इतनी ज्यादा गजब की होगी और मुझे इंडिया की याद आ जाएगी। तो आप लोग भी देखना और मेरे साथ एंजॉय करो बाहर का ये रास्ता। ये है चाइना का पेट्रोल पंप। मुझे लगा कि मतलब कुछ अलग होगा या कुछ भी ऐसा, क्योंकि ना यहाँ पे ना पेट्रोल पंप सिटी के अंदर ना होके सिटी के बिल्कुल बाहर की तरफ बनाए गए हैं। तो इस तरीके का ये था कुछ पेट्रोल पंप। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और शेयर कर दो, बहुत सारा बहुत प्यार दे दो। लव यू ऑल। और ऐसे ही हम लोग पहुंच गए, और ना पता है यार यहाँ ना वाकई में इतनी गाड़ियां थी ना, आप लोग भी देखो एक बार। गाड़ियां मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ पे आ गई हूँ। देखना एक बार मैं पीछे, कितनी सारी गाड़ियां हैं। और यहाँ ना इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, मैं आपको बता नहीं सकती। हर जगह मुझे इतने टाइम के बाद ना लोग देखने को मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चाइना से बाहर आ गई हूँ वाकई में। आप लोग देखो कि कितनी हलचल है यहाँ पे, और गाड़ियों की तो पूछो ही मत। गाड़ियों की तो ऐसा है गाड़ी खरीदने के लिए आए हो और गाड़ी का बाजार लगाओ। मैं ना आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी देख के हैरान होने वाले हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो पक्का बने रहना साथ में। लोग ना बहुत बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स और बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शॉपिंग मॉल है, पालिका जैसा लग रहा है। सच बताऊँ तो बाहर से जैसे पालिका नहीं है सीपी में, तो वैसी ही बहुत बड़ी कोई लोकेलिटी है और उसके अंदर है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितने सारे लोग यहाँ से अपना पार्सल्स और अपने ऑर्डर्स उठाने के लिए आए हुए हैं, जितने भी डिलीवरी बॉय हैं। और ये बाहर से ऐसा है और इतना बड़ा है, ये देखो इधर भी है। थोड़ा थोड़ा ना ऐसा भी लग रहा है जैसे 4G कैंटीन नहीं होती है उस तरीके से, कि बहुत बड़ा ही कुछ है। अलग अलग तरीके के यहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं, इस कंपनी का है, इसका है। तो देखते हैं अंदर है क्या। भाई बने रहना साथ में, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और मेरे से ज़्यादा मेरे को पक्का पता है आप लोगों को भी, और थी कि मुस्कान जल्दी दिखाओ कि क्या है। तो हम लोग एंट्री करने वाले हैं, देखते हैं अंदर क्या होगा। ओ भाई, अंदर आते ही बिल्कुल गर्म गर्म है सब मामला, मतलब फुल ऑन हीटर चालू है। ये देखो पूरा बड़ा मॉल टाइप का है ये तो। ये देखो देखो, मैंने बोला था ना कि कुछ पालिका जैसा होगा। और ये देखो ये क्या कर रहे हैं, इसको पीट रहे हैं। क्या बनाएंगे ये? पीट के इनसे बनाएंगे केक। ये देखो पालिका की तरह लग रहा है ना। एक एक इंसान बोल रहा था पीछे, उधर ना माँ बेटी रुक ही नहीं रहे हैं। ये देखो कितनी तेज तेज भाग रही है। देखो गाइस, चाइना के स्नैक्स जैसे हमारे वहाँ मिलती है ना, मीठी गोली और इस तरीके से, वही है यहाँ पे भी। ये देखो, पर पता नहीं किस किस का अचार। यहाँ की ना यार चीज़ें देखने में ना बड़ी अच्छी सी लगती है, पर ट्राई करने की ना हिम्मत नहीं होती सच में ही, कि यार कैसा लगेगा कैसा नहीं। और आज ना मैंने अपना पूरा लुक चेंज किया है, तो ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। यहाँ ना सब कुछ है, मतलब ये देखो गाड़ी से लेकर लोगों के कपड़े, एवरीथिंग। ये देखो बेड, चादर भी कुछ है, तो मजा आने वाला है। और ऊपर से तीन तीन लड़कियां, और ये देखो ये तो रुक ही नहीं रही है दोनों माँ बेटी। और ये पीछे देखो, यहाँ भी गाइस देखो थान कट रहे हैं सही है ना। और ये देखो रुक गई दोनों, शुक्र है रुकी तो ना, भगाया हुआ था ना।
यहाँ देखो ये भी मैचिंग का कपड़ा, चीजें सब सेम ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चाइना है तो पता नहीं क्या ही है, तो यहाँ पे भी ना चीजें औरतें सब सेम है। और मैं बनवाने के लिए आई हूँ अपना सूट, तो देखते हैं यहाँ पे ये इस तरीके का काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, किस तरीके से। और ये देखो अच्छी खासी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पे सोने की भी, ये देखो। वाकई में कुछ भी अलग नहीं है, ये देखो सेम वही फट्टा है, सेम वही नापना है और वही काटना है। रिपीट हेयर क्लोथ, क्लोथ फॉर यू, विंटर क्लोथ। ओके, तो भाई यही बोलने की देरी थी, और चाहिए ही क्या लड़कियों को। तो अब हम जा रहे हैं, अपना कपड़ा वपड़ा हमने यहाँ से फड़वा लिया है, ले लिया है सब कुछ, तो चलते हैं शॉपिंग की तरफ। ये देखो भाई रजाइयाँ बन रही हैं। लोग भी घुस चुके हैं भाई एक शॉप में, और मुझे ना एक टॉप बहुत पसंद आ रहा है, ये वाला पिंक वाला, तो ट्राई करके देखते हैं। खुशी देख रहे हो यार कितनी है, पता है मैं हर जगह घूम ली। बॉस ने बोला जैसे हम लोग पालिका में करते हैं या फिर सरोजनी में करते हैं कि नहीं यार यहाँ पे ना ये दाम नहीं तोड़ रहा है तो कहीं और चलते हैं, पर ना मैं हर जगह घूम ली, मुझे कहीं अच्छा नहीं लगा। और फिर ना मेरी बॉस ने बोला कि चलो हम चलते हैं बाहर, तो मैंने कहा कि नहीं पहले मुझे वही दिला के लाओ। और ना पता है यार मेरे ना यहाँ पे पता है कि मेरी मम्मी को ये चाहिए तो ये यहाँ पे रुक गए। मैंने ढूंढ ली कि कहाँ से खरीदना है, मैं पक्का आपके लिए खरीद के लाऊंगी, चिंता मत करो। एक चीज और पता चली है कि इस पालिका बाजार का नाम चुमतोंग है। तो हमारा आधा काम तो हो चुका है और जो नहीं करने आए थे वो भी हो चुका है, लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है जिस काम के लिए हम मेन आए थे, यानी मेरा योगा सूट। तो क्योंकि ना इन लोगों को लगता है कि मेरी जो फेस है, जो मेरा फेस टोन है वो प्रॉपर इंडियन है, भाई भारतीय हैं हम लोग, नाज है हमें उस चीज़ के ऊपर। तो ना इन्हें लगता है कि मेरे ऊपर ना सूट ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो इनके योगा गेस्ट हैं उन्हें ज़्यादा प्रभावित करता है मेरा वो लुक। तो उसी के लिए हम लोग अभी ये दूसरी जगह जा रहे हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और बताना कि वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ना यार यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी लगी कि ना यहाँ पे जैसे गाड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें आती है ना, तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी है। ये देखो मेरे पीछे वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, और ऐसा ही हर जगह, मतलब काफी सारे स्टॉप्स पे है। रुको मैं दिखाती हूँ, देखो एक ये रहा और वो रहे, काफी सारे हैं, मतलब ये देखो। तो ये इसलिए है ताकि, क्योंकि यहाँ पे पता है इन्हें कि गाड़ियां आती हैं, तो इनसे ये लोग पेट्रोल फिल कर सकते हैं, इन्हें स्पेशली पेट्रोल पंप पे जाने की जरूरत नहीं है, और इसी से इन लोगों का टाइम भी बच जाएगा। और जो पेट्रोल पंप वाला है उसका दिमाग देखो कितना तेज है। मेन अब जहाँ जाना है, हम वहाँ के लिए निकल चुके हैं फिर से। तो मैं, आप लोग भी बताना कि आपको पेट्रोल पंप वाली स्कीम कैसी लगी, और है ना एक बढ़िया वाला बिजनेस आइडिया। ना तो आपको पेट्रोल पंप के लिए ज्यादा बड़ी जगह लेने की जरूरत है, आप लोग भी कोई भी ऐसी जगह देख के अपना पेट्रोल पंप डाल सकते हो। और अगर इंडिया में भी ऐसा कुछ है तो ये मुझे नहीं पता है, तो कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताना कि अगर है तो। ये है चाइना की कपड़ा मार्केट, ये देखो ये है भाई चाइना की कपड़ा मार्केट। तो भी मेरी तरह हैरान हो गए ना यहाँ पे ये सुई धागा देख के, मैंने भी नहीं सोचा था, मुझे लगता था यार यहाँ पे ऐसे ही बन के आ जाता होगा। पर ये देखो पूरे के पूरे थान है, ये देखो यहाँ हम लोग आए हैं मेरा सूट सिलवाने के लिए। देख लो भाई कितनी, मतलब इंडिया में पहना हो ना पहना हो मैंने सूट, लेकिन यहाँ पे मेरी सूट खूब चल रहा है, तो यहाँ मैं आई हूँ अपना सूट लेने के लिए। तो देखते हैं कैसा होता है, होगा तो खैर क्या ही, वाइट वाला ही लेना है मुझे, तो देखते हैं।
कैसे कैसे होता है, कैसे नाप लिया जाता है, क्या होता है, मैं पूरा वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहना। ये देखो भाई लेस मार्केट, पूरा नेट वेट सब चीजें ना। आप एक चीज नहीं बोल सकते मुझे कि ना तो तुम मुझे बाहर का दिखाती हो कि बाहर क्या है चाइना में, और ना ही आप मुझे ये दिखाते हो कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये दो चीजें, आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं वाकई में हैरान हूँ, आप देखो तो ये सब पैटर्न मिल रहे हैं यहाँ पे। और हमने भाई कपड़ा सिलेक्ट कर लिया है, तो इस वाले धान का मेरा सूट बनेगा ना बढ़िया से। और यार सच, बिल्डिंग्स की चकाचौंध ना कुछ नहीं होती, सब देश सेम है, सबकी जगह सब वही काम हो रहा है, सब कुछ सेम है। वाकई में ये चीज सोच के ना बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया कुछ कर नहीं रहा है, हमारा इंडिया भी बहुत कुछ कर रहा है, पर बाहर की चीजें आकर ये सब चीजें देखना ना थोड़ा सा अलग लगता है। अच्छा सा लग रहा है, आप लोग भी बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है आपको। यार ये लोग इतना ज्यादा रेट बोल रहे थे ना, हम फिर भी लगे पड़े थे कि कुछ तो कम करेंगे। चार हजार की सिलाई बताई है, हम लोग अपने झोला झंडे उठा के आ लिए वापस कि नहीं हमें नहीं लेना। भाई जितनी भी लेडीज अपने घर में बैठ के सिलाई कर रही हैं, उन्हें बिल्कुल छोटा मत समझो, बिल्कुल वो इतनी मेहनत कर रही हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे कैसे रेट बताए हैं। ये देखो मेरे पीछे कुछ चाइनीज कपड़े हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज क्लोथ्स, और ना वाकई में ही ना उन लोगों को बिल्कुल कम मत समझो, वो बहुत मेहनत करती हैं, दिन रात मशीन पे बैठना आसान नहीं होता है। और ना हम लोगों ने अभी इंडिया से योगा टीचर आ रहे हैं हमारी कंपनी में, तो कोशिश करेंगे कि इंडिया से ही हम लोग अपना कपड़े वपड़े मंगवाएं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि ना इतने अनरीजनेबल चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए कि इंसान सुने और वो चीज़ ना वो दे भी ना पाए, क्योंकि इससे ज़्यादा सस्ता तो फिर ऑनलाइन मिल जाता है। माना कि हम लोग एक अलग चीज़ लेकर आए हैं कि हाँ हमें ये चीज़ सुई करवानी है, हमें ये चीज़ सिलवानी है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही कुछ भी रेट बोलोगे तो ना रेट नाजायज़ कहीं पर भी अच्छे नहीं लगते। चाहे कोई कितना ही अमीर हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो, आप लोगों को ये बात कैसी लगी ज़रूर बताना। और क्या उस आंटी ने रेट सही लगाए थे? मुझे ना बिल्कुल वो मेरे लिए इतना एफर्ट कर रही है मेरी बॉस, और मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी के भी एक रुपया भी ज़्यादा खर्च करवाऊँ। मैं इसी वजह से ना मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं हम वो जो आ रहे हैं भैया उनसे ही मंगवा लेंगे, या फिर मैं बाय कुरियर मंगवा लूँगी, इंडिया में अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी और इतने महंगे में तो पता नहीं कितने सूट आ जाएंगे, हमें वाइट ही तो चाहिए। तो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनके पैसे खर्च हों। तो ना देखो कोई हमारे लिए अगर इनिशिएटिव ले रहा है तो क्यों ही मतलब उस चीज़ का फ़ायदा उठाना ना। तो इस वजह से मैं घर पे बात करूँगी और कोशिश करूँगी कि वो ही मेरे पास भेज दे मेरी साइज़ के कपड़े। और आप लोग भी बताना कि व्लॉग आपको कैसा लगा, आप लोगों ने मेरे साथ एंजॉय किया या नहीं किया। और ना पता है मैं ना अभी कुछ क्रीम यूज़ कर रही हूँ इनके लिए, चाइनीज़ क्रीम ही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन पे थोड़ा फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ है। वाओ मेरी आँखों का कलर अच्छा लग रहा है, आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरे मार्क्स हैं वो बहुत लाइट होना स्टार्ट हो गए हैं। और बाय बाय, और इसी तरीके से मुझे बस अपना प्यार देते रहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। बाय बाय, आई लव यू।
ना लाइक करने में ना किसी का कुछ नहीं जाता है, मैं किसी से पैसे नहीं मांग रही, सिर्फ लाइक मांग रही हूँ, और देना पड़ेगा ठीक है ना। लाइक करके जाओ वीडियो को, खूब सारा शेयर करो और खूब सारा प्यार दिखाओ, मुझे बहुत जरूरत है। जल्दी जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट कर देना यार। बाय बाय।